हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी का इलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और आज इस बॉक्स में डिफरेंट टाइप की रेजर, डिफरेंट टाइप के शार्पनर और डिफरेंट टाइप के पेन और डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको आज का कलेक्शन कैसा लगा गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक BTS का गिलास, और ये गिलास नहीं है, ये है एक शार्पनर और इरेजर सेट। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। और कौन कौन है दोस्तों BTS आ रही, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहां देख सकते हो दोस्तों, हमें स्ट्रॉ दिख रही है, बट दोस्तों ये स्ट्रॉ नहीं है, ये है एक इरेजर। देख सकते हो दोस्तों, काफी जबरदस्त। और नीचे दोस्तों हमें होल मिलता है, और ये होल नहीं है, ये है शार्पनर। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। तो इसके अंदर देख सकते हो हमें शार्पनर मिल जाता है। तो आपको ये BTS का ग्लास कैसा लगा, इरेजर और शार्पनर वाला, दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, हमें ये क्या मिली, एक छोटी सी कार मिली दोस्तों, और ये कार नहीं है, ये है एक शार्पनर। ये देख सकते हो पीछे दोस्तों हमें होल मिलता है, इसमें दोस्तों हम पेंसिल डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और ये देख सकते हो इसके अंदर शार्पनर मिलता है, कार वाला शार्पनर मिल जाता है इस बॉक्स में। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक यूनिकॉर्न की पेंसिल दोस्तों, और ये पेंसिल नहीं है, ये है एक इरेजर। ये देख सकते हो कितना फ्लेक्सिबल है, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों इरेजर है। और कलर देखो दोस्तों, इसमें कितने सारे कलर है, रेनबो की तरह दोस्तों इरेजर है, काफी जबरदस्त है। और साइज की बात करें इरेजर की, तो काफी अच्छी इरेजर है, यूनिकॉर्न की इरेजर है दोस्तों। चलो साइड रखता हूं और दिखाता हूं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, हमें मिलती है एक BTS की पेंसिल। ये देख सकते हो ऊपर दोस्तों हमें फ्रेंच फ्राई मिलता है, बट दोस्तों ये फ्रेंच फ्राई नहीं, ये है एक इरेजर। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त इरेजर है। चलो ढक्कन ओपन करता हूं, दिखाता हूं ये दोस्तों पेंसिल और कैसी है टिप। तो ढक्कन ओपन किया तो इसकी टिप देख सकते हो, काफी लंबी टिप है, BTS की पेंसिल दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक आउल, और ये आउल नहीं है दोस्तों, ये भी है एक शार्पनर। वो कैसे, तो नीचे देख सकते हो दोस्तों दो होल मिलते हैं, और इसके अंदर मिलता है हमें शार्पनर। ये देख सकते हो एक काफी बड़ा शार्पनर मिलता है, एक छोटा शार्पनर मिलता है। ब्लेड की क्वालिटी भी आप देख सकते हो काफी जबरदस्त है, आउल वाला शार्पनर मिल जाता है इस बॉक्स में। और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक रेनबो, और दोस्तों ये रेनबो नहीं है, ये है रेनबो वाला पेन। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, ढक्कन ओपन किया तो टिप भी देख सकते हो काफी जबरदस्त है, और रेनबो वाला पेन है। तो आपको ये रेनबो वाला पेन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और दिखाता हूं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये डाइस, और ये डाइस वाला है एक इरेजर सेट। और इस सेट में टोटल हमें मिलते हैं तीन डाइस, और यानी तीन इरेजर मिलते हैं। चलो आपको तीनों इरेजर दिखाता हूं और क्वालिटी भी दिखाता हूं। तो देख सकते हो साइज की बात करें तो साइज काफी जबरदस्त है, डाइस लुक में दोस्तों इरेजर है। ये देख सकते हो तीन तीन इरेजर मिलते हैं, एक येलो कलर की, एक रेड कलर की, एक व्हाइट कलर की। दोस्तों आपको तीनों कलर में सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक हाथ, और दोस्तों ये हाथ नहीं है, ये भी है एक पेंसिल शार्पनर। इस पे देख सकते हो साफ साफ लिखा है पेंसिल शार्पनर, और शार्पनर कैसा मिलता है तो ये देख सकते हो, इसके अंदर काफी अच्छा शार्पनर मिल जाता है। हाथ लुक में दोस्तों पेंसिल शार्पनर मिल जाता है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक मिनियन, और दोस्तों ये मिनियंस नहीं है, ये है एक मिनियंस वाला फैन। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। ये आंख है, इसकी आंख को दबाऊंगा तो फैन ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। ये देख सकते हो आंख दबाए और फैन चालू, ये देख सकते हो फैन की हवा काफी तेज है दोस्तों, मिनियंस का फैन है। तो आपको ये मिनियंस का फैन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये तो है एक प्रिंसेस का कैप्सूल दोस्तों, और ये कैप्सूल नहीं है, इसके अंदर दोस्तों हमें कुछ मिलता है, आवाज कुछ आ रही है। तो चलो ओपन करते हैं। तो ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, इसके अंदर मिलता हमें पेन। ये देख सकते हो कैप्सूल लुक में पेन है, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग पेन है दोस्तों, काफी छोटा भी हो जाता है, जब कैप्सूल को खोलते तो पेन ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। देख सकते हो इसकी टिप की बात करते हैं, टिप काफी जबरदस्त है, पेन को चलाते हैं तो काफी अच्छा भी पेन चल रहा है, कैप्सूल वाला पेन है प्रिंसेस का दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक मोबाइल फोन दोस्तों, और ये मोबाइल फोन नहीं है, ये है मोबाइल फोन वाला इरेजर। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा है दोस्तों, मोबाइल फोन लुक में इरेजर है, काफी सुंदर सा दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, ये क्या मिला, एक डोरेमोन का सेट, और ये तो है एक क्यूट लैपटॉप दोस्तों, यानी क्यूट लैपटॉप कैसा है चलो देखते हैं। और इसके अंदर देखो दोस्तों, हमें छोटा सा
क्या मिला, पेन है पेंसिल, चलो निकालते हैं, तब पता चलेगा दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है छोटा सा। तो और इसे निकालते हैं तो ये देख सकते हो एक लैपटॉप है, और लैपटॉप के साथ दोस्तों हमें छोटा सा चीज मिला है, और ये क्या चीज है तो इसे ओपन करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये तो है डोरेमोन का बिल्कुल छोटा सा पेन, और पेन का साइज देख सकते हो कितना जबरदस्त है, काफी छोटा पेन मिल जाता है। चलो बंद करते हैं, तो यहाँ देख सकते हो लॉक मिलता है, लॉक को ओपन किया तो लॉक ओपन करते हैं, इसके अंदर मिलते हैं हमें एक डायरी, ये देख सकते हो काफी सारे पेजेस भी मिल जाते हैं, और पेजेस के ऊपर डिजाइन भी देख सकते हो, काफी जबरदस्त है और काफी अच्छी डायरी है दोस्तों, डोरेमोन की डायरी और पेन है दोस्तों। तो आपको पेन ज्यादा अच्छा लगा, डायरी अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें एक यूनिकॉर्न का पोपिट दोस्तों, और ये पोपिट नहीं है, ये है पोपिट वाला एक पेन दोस्तों। पेन के अंदर दोस्तों हमें मिल जाता है पोपिट दोस्तों यूनिकॉर्न का। चलो ढक्कन ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ दोस्तों ये टिप, और दिखाता हूँ दोस्तों पेन कैसा चलता है। ये देख सकते हो इसकी टिप काफी पतली टिप है दोस्तों, और साइज भी काफी लंबा है टिप का। चलो चलाते हैं इस पेन को, तो ये देख सकते हो काफी जबरदस्त चल रहा है, जेल पेन है दोस्तों, काफी सुंदर और काफी फास्ट भी चल रहा है, ये यूनिकॉर्न का पोपिट वाला पेन है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये तो है एक कैरेट सेट, और ये तो है एक हाईलाइटर कैरेट वाले, और सारे कैरेट में देख सकते हो स्माइली बने हैं। चलो फटाफट निकालता हूं और दिखाता हूं दोस्तों आपको ये कैरेट और हाईलाइटर दोस्तों, और सारे कैरेट के ऊपर जो जो स्माइली बना ये भी आपको दिखाता हूं। तो इस वाले कैरेट पे देख सकते हो ये वाला स्माइली बना है दोस्तों, गुस्से में देख रहा है, और ये वाला देख सकते हो ये पे भी काफी अलग स्माइली बना है, इस वाले कैरेट पे देख सकते हो इस पे भी अलग स्माइली बना है, इस वाले कैरेट पे देख सकते हो इस पे भी बिल्कुल अलग स्माइली बना है, इस पे देख सकते हो ये तो बिल्कुल नाराज है उदास है, और ये देख सकते हो ये तो काफी ज्यादा लालची हो रहा है, हंस रहा मजे कर रहा है ये गाजर दोस्तों। चलो इनके ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं ये गाजर के अंदर क्या मिलता है, हमें शार्पनर मिलता है, ये हाईलाइटर मिलते हैं। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन कहां से ओपन होगा, तो ढक्कन यहां से ओपन होगा, और इसकी टिप देख सकते हो काफी जबरदस्त है, चलाते तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है। टोटल गाइस इसके अंदर हमें 6 कलर के हाईलाइटर मिल जाते हैं, काफी जबरदस्त है, गाजर वाला हाईलाइटर मिल जाता है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक रोबोट दोस्तों, रोबोट नहीं है दोस्तों, ये भी है एक शार्पनर रोबोट वाला, देख सकते हो पीछे हमें होल मिल जाता है, इसके अंदर का शार्पनर दिखाता हूं, तो ये देख सकते हो शार्पनर काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक सीक्रेट पेन, और वाह सीक्रेट पेन कैसा मिलता है, चलो देखते हैं। तो इसे ओपन करते हैं, निकालता हूं सीक्रेट पेन को, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये सीक्रेट पेन कैसा लगा। तो ये देख सकते हो इसमें दोस्तों हमें दो पेन मिल जाते हैं, एक छोटा पेन मिलता है, एक काफी बड़ा पेन मिल जाता है। तो बड़े पेन को चलाते हैं, तो ये चलाया तो ये देख सकते हो अभी नहीं चल रहा है, वो क्यों नहीं चल रहा है आपको बताता हूँ। तो ये पेन चल रहा है बट दिख नहीं रहा, वो क्यों नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों इसमें मिलता है हमें लाइट, और इस लाइट को ऑन करता हूँ तो ये देखो दोस्तों अभी दिख रहा है, ये चल रहा है पेन, इसीलिए दोस्तों इस पेन को सीक्रेट पेन बोलते हैं। जब हम चलाते हैं तो ये हमारे आंखों से नहीं दिखता ये पेन, ये बस लाइट से दिखता है ये पेन। तो चलाते हैं तो ये देखो दोस्तों ये वीवी के लिखा था हमने, तो दिख रहा है साफ साफ, काफी गजब है सीक्रेट पेन है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक लिपस्टिक दोस्तों, और ये लिपस्टिक नहीं है दोस्तों, ये है एक लिपस्टिक वाला एक काफी सुंदर सा पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो आगे दोस्तों ढक्कन है, ढक्कन को खोला तो इसके अंदर देख सकते हो हमें मिलता है काफी सुंदर सा पेन, और चलाते हैं इस पेन को तो देख सकते हो काफी फास्ट और काफी अच्छा भी चल रहा है पेन, ये लिपस्टिक वाला पेन है। पीछे दोस्तों हमें ग्लिटर और सीक्वेंस भरा मिल जाता है, जो काफी गुड लुकिंग बना रहा है इस पेन को दोस्तों। चलो बंद करते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का सेट, और ये तो है 3-in-1 सेट, और वाह ये भी काफी जबरदस्त है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक ढक्कन है, ढक्कन को खोला तो यहाँ दोस्तों हमें ब्रश मिल जाता है देख सकते हो। चलो इसे बंद करते हैं, दूसरे ढक्कन को ओपन करते हैं, दूसरे ढक्कन को ओपन किया तो इसमें दोस्तों हमें इरेजर मिल जाती है, और बीच में देखो दोस्तों हमें एक होल मिलता है, यानी बीच में दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है। यूनिकॉर्न का 3-in-1 सेट है, काफी सुंदर सा दोस्तों, काफी प्यारा सा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक इंसेक्ट दोस्तों यानी कीड़ा, और ये दोस्तों कीड़ा नहीं है, ये है एक करेक्शन टेप, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त। चलो देखते हैं इसके अंदर हमें कैसा करेक्शन टेप मिलता है और किस तरह का। तो ढक्कन कहां से ओपन होगा, तो इसके मुंह को खींचेंगे तो ढक्कन ओपन हो जाएगा, और ये देख सकते हो करेक्शन टेप, देख सकते हो काफी जबरदस्त है, कीड़े वाला करेक्शन टेप मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पेपा पिक की ट्रॉली दोस्तों, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है पेपा पिक की ट्रॉली, और इस ट्रॉली में दोस्तों हमें मिलती है काफी अच्छी चीज, वो क्या चलो दिखाता हूं। तो ढक्कन
बटन ओपन किया तो इसके अंदर दोस्तों हमें दो दो मिलती है इरेजर, ये देख सकते हो दो पैपापी मिल जाते हैं जिससे दोस्तों सेट करेंगे। और ये है इरेजर, काफी जबरदस्ती ये इरेजर वाला सूटकेस है दोस्तों, काफी सुंदर सा काफी प्यारा सा। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों ये क्या मिला, एक एलिफेंट दोस्तों, और ये एलिफेंट नहीं है, ये है एलिफेंट वाला शार्पनर। वो कैसे, चलो दिखाता हूँ। इसके अंदर देख सकते हो हमें शार्पनर मिल जाता है, हम पेंसिल को कैसे शार्प करेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इसकी सूंड है, इसकी सूंड को दोस्तों बस थोड़ा सा स्लाइड करेंगे फिर होल ओपन हो जाएगा। इस होल में दोस्तों हम पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे दोस्तों। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों ये एलिफेंट वाला पेंसिल शार्पनर दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक एस्ट्रोनॉट वाला पैन, और ये पैन नहीं है दोस्तों, ये तो है एस्ट्रोनॉट वाला सीजर। अरे वाह यार, तो इसे चलाते हैं यानी इसे निकालते हैं, देखते कैसा सीजर है। तो इसे निकाला तो ये देखो दोस्तों कितना छोटा सीजर निकला इसके अंदर से, ये तो पेपर कट सीजर है, काफी सुंदर सा दोस्तों, काफी प्यारा सा। और इसके आगे दोस्तों हमें मिलता है पैन, ये 2-in-1 सेट है दोस्तों। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो आगे गाइस हमें पैन मिल जाता, पीछे दोस्तों हमें सीजर मिल जाता है, काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक कमोड, और दोस्तों ये कमोड नहीं है, ये है एक पेंसिल शार्पनर। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। नीचे दोस्तों हमें होल मिलता है और इसमें गाइस पेंसिल डालेंगे, पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। इसे ओपन किया तो देख सकते हो दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है, काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा है, कमोड लुक में दोस्तों पेंसिल शार्पनर मिल गया। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक डायनासोर का मिनी पेन, ये देख सकते हो। और इस पेन में हमें चार कलर के पेन भी मिलेंगे, ऊपर दोस्तों डायनासोर मिल जाते हैं, ये देख सकते हो चार कलर के पेन इसके अंदर मिल जाते हैं। काफी छोटा सा पेन है, मिनी पेन है दोस्तों डायनासोर का। चलो साइड रखते हैं इसे भी और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक बाइक, और दोस्तों ये बाइक नहीं है, ये है एक बाइक वाला शार्पनर, देख सकते हो पीछे हमें होल मिल जाता है। और इसमें दोस्तों पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और सबसे अच्छी बात है हम इस बाइक से अपना टाइम पास भी कर सकते हैं क्योंकि गाइस इसके व्हील घूम रहे दोस्तों, काफी जबरदस्त शार्पनर है, बाइक वाला शार्पनर है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलती है बॉटल, ये देख सकते हो छह कलर की बॉटल मिलती है। और दोस्तों ये बॉटल नहीं है, ये है हाइलाइटर। वो कैसे, चलो दिखाता हूँ। तो ढक्कन ओपन किया तो दोस्तों दो हाइलाइटर को निकालता हूँ, तो ये देख सकते हो यानी दो बॉटल को निकाला। और सबसे अच्छी बात है नीचे दोस्तों होल मिलते हैं जिससे में दोस्तों हम एक दूसरे हाइलाइटर को सेट कर सकते हैं, ये देख सकते हो। इसी तरह से हाइलाइटर और ले लिया, इसके पीछे डाले तो ये देख सकते हो काफी अच्छे से दोस्तों ये डंडी बन जाएगी। चलो अब एक हाइलाइटर को चला के दिखाता हूँ हाइलाइटर कैसे और इनकी टिप कैसे। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो इसकी टिप, काफी पतली टिप है, काफी अच्छी टिप है और चलता भी काफी जबरदस्त है, देख सकते हो काफी अमेजिंग है, बॉटल वाला हाइलाइटर सेट है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का ये वैक्यूम क्लीनर, ये तो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है वैक्यूम क्लीनर। चलो आपको दिखा दो वैक्यूम क्लीनर कैसा है। तो इसे पुश का बटन मिला है तो पुश करेंगे, तो पुश करते यहां देख सकते हो कंपार्टमेंट ओपन हो गया। और इसमें दोस्तों हम अपनी डबल ए की दो बैटरी लगाएंगे दोस्तों इसके अंदर, फिर यहां देख सकते हो हमें बटन मिलता है, इस बटन को ऑन करेंगे फिर वैक्यूम क्लीनर चालू हो जाएगा दोस्तों। नीचे हमें ब्रश मिल जाता है, काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। और ऐसा वैक्यूम क्लीनर दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा था। और इस वैक्यूम क्लीनर से दोस्तों हम जितना मर्जी छोटा कूड़ा साफ कर सकते हैं, काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा वैक्यूम क्लीनर। चल साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों ये क्या मिला, ट्रेन, और दोस्तों ये ट्रेन नहीं है, ये है एक पेंसिल शार्पनर। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। दोस्तों हमें ऊपर होल मिलता है, एक छोटा होल मिलता है, एक काफी बड़ा होल मिलता है, यानी इसके अंदर दोस्तों हमें दो शार्पनर मिलेंगे, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, घर, और ये दोस्तों घर नहीं है, ये है एक पोस्ट ऑफिस, और ये तो है एक पिगी बैंक दोस्तों, पोस्ट ऑफिस वाला, ये तो काफी जबरदस्त है। यहां से दोस्तों हम अपनी मनी को डालेंगे और सारी मनी इसके अंदर आ जाएगी, ये देख सकते हो काफी अच्छे से मनी आ जाएगी इसके अंदर। दोस्तों हमें दो दो चाबी मिलती है, विदाउट चाबी दोस्तों कोई भी हमारा मनी नहीं निकाल सकता इसके अंदर से, देख सकते हो काफी बड़ा लॉक भी मिल जाता है और काफी सारा स्टोरेज है इसमें जिसमें हमारा काफी सारा मनी आ जाएगा दोस्तों। ये पोस्ट ऑफिस वाला पिगी बैंक आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिली, एक लैम्बोर्गिनी दोस्तों, और ये लैम्बोर्गिनी नहीं है दोस्तों, ये है एक कार वाली इरेजर, ये देख सकते हो
काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग है दोस्तों, काफी प्यारी कार लुक में दोस्तों इरेजर है। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक रॉकेट, ये देख सकते हो रॉकेट। और दोस्तों ये रॉकेट नहीं है दोस्तों, ये है पेंसिल शार्पनर। वो कैसे, चलो दिखाता हूँ। तो इसे खींचे तो ये देख सकते हो इसके अंदर दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है, रॉकेट वाला शार्पनर है दोस्तों, काफी सुंदर सा। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है जिराफ, और दोस्तों ये जिराफ नहीं है, ये है एक पैन। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। तो इसके दोस्तों टांगों को खींचेंगे और फिर इसके अंदर मिलता है हमें पैन, ये देख सकते हो पैन मिलता है। और इसे चलाते हैं तो देख सकते हो काफी अच्छा चल रहा है, जिराफ वाला पैन है दोस्तों, काफी सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो कितना प्यारा है। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक रैबिट, और ये रैबिट है दोस्तों मिनी पैन, ये देख सकते हो। एक गाइस हमें डायनासोर वाला मिनी पैन मिला था और एक दोस्तों हमें रैबिट वाला मिनी पैन मिला है। तो आपको डायनासोर वाला ज्यादा अच्छा लगा मिनी पैन, या फिर रैबिट वाला अच्छा लग रहा, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक क्रोकोडाइल, ये देख सकते हो। और दोस्तों ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये है एक पेंसिल शार्पनर। वो कैसे, तो देख सकते हो दोस्तों हमें आगे होल मिल जाता है और इसके अंदर मिलता है शार्पनर, ये देख सकते हो क्रोकोडाइल वाला शार्पनर मिल जाता है। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं ओरियो बिस्किट, और दोस्तों ये ओरियो बिस्किट वाले है इरेजर, ये देख सकते हो। चलो फटाफट निकालता हूं और आपको दिखाता हूं बिस्किट वाले इरेजर, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है, और इनके अंदर से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और ये देख सकते हो एक इरेजर दिखाता हूं, तो ये देख सकते हो काफी अच्छी इरेजर है, काफी अमेजिंग है, क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये तो काफी गजब चीज लग रही है, ये तो है मिनी माउस दोस्तों। अरे वाह यार, ये तो काफी जबरदस्त है। और ये तो है पेंसिल शार्पनर दोस्तों, यहां हमें होल मिलता है, इसमें दोस्तों पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और सारा कूड़ा कहां जाएगा, तो सारा कूड़ा दोस्तों इसके फ्रॉक में आएगा, ये देख सकते हो सारा कूड़ा गाइस इसके फ्रॉक में आ जाएगा। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग पेंसिल शार्पनर मिल गया दोस्तों इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलती है गन, ये देख सकते हो गन दोस्तों, और ये गन या ये है एक पेन गन वाला। वो कैसे, तो ढक्कन खोले तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है पेन, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अच्छा पेन मिल जाता है, गन लुक में दोस्तों पेन है। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पूसी कैट की ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी सुंदर है, काफी प्यारी है। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक स्टिकर है जिसपे दोस्तों हम अपना नाम क्लास लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमें चार बटन मिलते हैं, चारों बटन का यूज देखते हैं। पहले बटन को दबाया शार्पनर ऊपर आ गया, सेकंड बटन को दबाया तो छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर ओपन हो गया, और इसमें दोस्तों हम अपना कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। तीसरे बटन को दबाया तो कुछ भी नहीं हो, चौथे बटन को दबाया एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आ गया जिसमें गाइस हम अपनी रेजर कुछ भी चीज रख सकते हैं। चलो ढक्कन ओपन करा, ढक्कन ओपन करते यहाँ एक पॉकेट मिलता है जिसमें गाइस क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट में दो दो पेंसिल लॉक मिलते हैं। और तीसरे बटन को दबाते हैं तो ये देख सकते हो हमारा कंपार्टमेंट बन जाता है ब्रिज लुक में, देख सकते हो नीचे दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिल जाता है हिडन जिसमें गाइस हम अपनी मनी रख सकते हैं। और यहाँ देखो दोस्तों हमें मिलता है कैलेंडर, ये देख सकते हो कैलेंडर मिल जाता है, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पर्स, और दोस्तों ये पर्स नहीं है, ये है काफी अच्छी चीज। वो क्या है चलो दिखाता हूं। तो दोस्तों पहले इसे खोलने से पहले दोस्तों इसका लॉक खोलना पड़ेगा। तो लॉक क्या है, 1 4 5, तो 1 को नीचे कर देंगे, 4 को भी नीचे कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे, फिर बटन दबाएंगे, फिर ये लॉक ओपन हो जाएगा। तो 2 को पहले सेट कर देते हैं, लॉक ओपन हो गया, ये देख सकते हो। अब इसे खोलते हैं तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं डायरी, ये देख सकते हो काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं। ये पर्स लुक में दोस्तों डायरी है, काफी सुंदर सी, काफी प्यारी सी। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है शूज, ये देख सकते हो काफी प्यारा शूज मिलता है। शूज पे दोस्तों काफी सारे सीक्वेंस भी मिल जाते हैं, काफी जबरदस्त है। दो दो जिप मिलते हैं, ऊपर वाली जिप को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। नीचे वाली जिप को ओपन करते देखते कितना स्पेस है, तो नीचे वाली जिप को भी ओपन किया, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। ये सीक्वेंस वाला पेंसिल पाउच है दोस्तों, यानी शूज वाला, काफी सुंदर सा, काफी प्यारा सा। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक भुट्टा दोस्तों, और ये भुट्टा नहीं है, ये है एक पेंसिल शार्पनर। वो कैसे, तो ये देख सकते हो भुट्टे को खींचा तो इसके अंदर मिलता है हमें शार्पनर, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा है। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है BTS का पाउच, ये देख सकते हो कितना बड़ा पाउच है, काफी जबरदस्त है।
जिप को ओपन करते हैं, देखते क्या इसके अंदर मिलता है। तो इसे ओपन करो तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें एक चीज मिलती है, ये क्या चीज है चलो देखते हैं। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं BTS की डायरी। ये डायरी देख सकते हो कितनी कलरफुल है और इसके अंदर देखो दोस्तों कितने सारे पेजेस भी मिल जाते हैं और इस डायरी के चारों तरफ फरी फर लगे हैं दोस्तों। ये तो काफी अच्छी डायरी है और ये देख सकते हो पाउच है, पाउच की गहराई काफी अच्छी और काफी बड़ा पाउच मिल जाता है ये देख सकते हो BTS का। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देख सकते हो हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये गेमिंग कंसोलर वाला दोस्तों एक शार्पनर, ये देख सकते हो ये भी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। चल साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हमें टेडी बियर का एक मिलता है पेंसिल पाउच, ये भी काफी अच्छा है। चलो ओपन करते हैं देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। तो कवर को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो एक पॉकेट है, इस पॉकेट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इसके अंदर दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों क्या है इसके अंदर। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें एक जिप मिलती है, इस जिप को भी ओपन करते हैं। तो इसे ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक पॉकेट मिला नेट वाला और यहाँ देख सकते हो हमें तीन लॉक मिलते हैं जिसमें पेन या पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। और देखो दोस्तों हमें देखो ऊपर एक और पॉकेट मिलता है, ये देख सकते हो ऊपर एक और जिप मिलती है, इस जिप को भी ओपन करते हैं तो ये देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ऊपर देख सकते हो दोस्तों कवर के ऊपर हमें सीक्वेंस मिल जाते हैं, काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा पेंसिल पाउच है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर। तो बॉक्स हो गया खाली। तो आज इस बॉक्स में दोस्तों हम एक से बढ़ के एक स्टेशनरी आइटम मिली, काफी अच्छे अच्छे पेन मिले, काफी अच्छे शार्पनर मिले, काफी अच्छे अच्छे इरेजर मिले और काफी अच्छे अच्छे पेंसिल बॉक्स मिला। और एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो क्या अच्छा लगा दोस्तों, मुझे ये पोस्ट ऑफिस पिगी बैंक बहुत ज्यादा अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात है मेटल का है दोस्तों। आपको क्या अच्छा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।